हेलो चैंपियंस, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। जिन स्टूडेंट्स ने वो प्रीवियस क्लास नहीं देखी थी, एक बार जाकर के वो प्रीवियस क्लास ज़रूर देखें, वहाँ आपको समझ में आ जाएगा कि वॉट इज़ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो जब आप वो सिस्टम समझ जाएंगे तो उससे आपका हाफ डिसीज पोर्शन इजीली कवर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म सिंपली मीन्स जब हमारी बॉडी में थायरॉयड हॉर्मोन्स के लेवल कम हो जाते हैं। थायरॉयड हॉर्मोन्स कौन से? T3 एंड T4 के लेवल्स जब डिक्रीज हो जाते हैं, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। लेकिन दोस्तों, ये भी एज के हिसाब से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जैसे कि अगर एडल्ट में हो रहा है तो उसे क्या कहेंगे? मिक्सोडीमा, ठीक है। और अगर वही इन्फेंट में होगा तो उस कंडीशन को कहते हैं क्रेटिनिज्म। अगर एडल्ट में पाया जाता है तो उसे मिक्सोडीमा कहते हैं, और इन्फेंट में अगर पाया जाता है तो उसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। दोस्तों, हाइपोथायरॉयडिज्म सिंपली हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है, लेकिन इसके भी बेसिकली तीन टाइप होते हैं। चलिए आइए हम देखते हैं वो तीन टाइप कौन कौन से होते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। तो सबसे प्राइम कॉज होता है वो होता है आयोडीन की डेफिशिएंसी। अगर बॉडी में आयोडीन की डेफिशिएंसी है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म कॉज कर सकता है। लेकिन दोस्तों, कई कंडीशन में ऐसा होता है कि बॉडी में पर्याप्त मात्रा में आयोडीन तो है फिर भी हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो उस टाइम पे कॉज क्या होगा? ऑटो इम्यून डिसीज या हाशिमोटोज थायरॉयडाइटिस। दोस्तों, आप आइए हम बात करते हैं हाशिमोटोज थायरॉयडाइटिस क्या होता है। बेसिकली जब हमारी इम्यून सेल्स हमारी खुद की ही थायराइड ग्लैंड की सेल्स को फॉरेन सेल्स समझकर डिस्ट्रॉय करने लग जाती है, जब उनका विनाश करने लगती है, तब क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड है वो स्टिमुलेट होती है बार बार, और जब स्टिमुलेट होती है तो वो क्या करेगी? सिक्रीशन बढ़ा देगी T3 और T4 का। तो स्टार्टिंग फेज में, इस डिसीज के स्टार्टिंग फेज में क्या होगा? पहले हाइपरथायरॉयडिज्म होगा, पहले पेशेंट्स की बॉडी में थायरॉयड T3 और T4 के लेवल्स बढ़े हुए मिलेंगे। फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे जब वो ग्लैंड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी होगी, तब क्या होगा? T3 और T4 का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाएगा, और उसी कंडीशन को हम कह देते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। आइए देखते हैं दूसरे कॉजेस क्या हो सकते हैं। जैसे कि हमें पता है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है, इसमें जेनेटिक एंजाइम डिफेक्ट्स की वजह से भी प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। जेनेटिकली कोई एंजाइम की कमी है, उन एंजाइम्स की कमी की वजह से भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं थायरॉयडेक्टमी। जैसे कि अगर कोई सर्जिकल प्रोसेस, अगर प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हाइपरथायरॉयडिज्म ज़्यादा वर्स हो गया, उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, या उसमें कोई ट्यूमर है, तो उसको थायरॉयडेक्टमी से रिमूव कर दिया था। जब थायरॉयड ग्लैंड की ही एब्सेंस होगी हमारी बॉडी में तो T3 और T4 बनना इम्पॉसिबल है। जब T3 और T4 बनेंगे ही नहीं तो वो उनकी कमी हमारी बॉडी में हो जाएगी, और वही कॉज करता है हाइपोथायरॉयडिज्म को। फिर बात करते हैं हम लोग आयट्रोजेनिक। आयट्रोजेनिक मीन्स होता है दोस्तों फिजिशियन इंड्यूस्ड या डॉक्टर इंड्यूस्ड। किसी भी ट्रीटमेंट के टाइम पे किसी मेडिकेशन की वजह से या किसी सर्जरी की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी नया प्रोसीजर करने की वजह से हमारी बॉडी में कोई भी चेंजेस आता है, उस चेंजेस को हम बोलते हैं आइट्रोजेनिक चेंजेस। और जब यहाँ पे कॉज की बात करें तो हम लोग आइट्रोजेनिक कॉज हो सकता है, डॉक्टर ने जैसे सर्जरी की है, सर्जन ने थायरॉयडेक्टमी, तो वो एक आइट्रोजेनिक कॉज के अंदर आ जाएगा। फिर हम बात करते हैं RAIU। इस टॉपिक के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। जब हम रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक करवाते हैं पेशेंट को, तो उसकी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। जब थायरॉयड ग्लैंड डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो वो क्या नहीं कर पाएगा? T3 और T4 को प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली क्या लीड करेगा? वो हाइपोथायरॉयडिज्म को लीड करेगा। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंजेनाइटल। कंजेनाइटल अगर बेबी है और उसे स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, तो उसका इमीडिएटली ट्रीटमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसे परमानेंटली ब्रेन डिफेक्ट या ब्रेन डैमेज हो सकता है। ओके दोस्तों, हमने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉज किससे रिलेटेड होंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। सो हम देखते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड ट्यूमर। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में किसी टाइप का ट्यूमर है तो वो हाइपोथायरॉयडिज्म को कॉज कर सकता है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड या तो किसी वजह से डिस्ट्रॉय हो चुकी हो, उस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है, सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म। फिर बात कर सकते हैं एक्सपोजर टू रेडिएशन। किसी भी रेडिएशन के एक्सपोजर में आकर के पिट्यूटरी ग्लैंड की जो स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो चुकी है, तो वहाँ पर वो लीड कर सकता है सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म को, या फिर सर्जरी ऑफ पिट्यूटरी। दोस्तों, देखते हैं कि हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड से सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे हो सकता है।
हमें हमने हमारी प्रीवियस क्लास में देखा था कि हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वहीं से निकलता है हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वही जाकर क्या करता है थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड ग्लैंड फिर उसी के स्टिमुलेशन से क्या करती है T3 एंड T4 प्रोड्यूस करती है। जब पिट्यूटरी ग्लैंड में ही कोई ट्यूमर हो गया या किसी टाइप का डिस्ट्रक्शन हो गया तो यहाँ से सिग्नल्स भेज नहीं पाएगी। जब सिग्नल्स यहाँ पर यहाँ से TSH ही नहीं जा पाएगा, जब TSH यहाँ से नहीं जा पाएगा तो थायराइड को सिग्नल नहीं मिलेंगे, और जब थायराइड को सिग्नल ही नहीं मिलेंगे तब वो T3 और T4 को बना नहीं पाएगा। जब T3 T4 बनेंगे नहीं, अल्टीमेटली वो क्या लीड करेगा सेकेंडरी हाइपोथायरॉयडिज्म को। इतना आया समझ में दोस्तों अब हम बात करते हैं कॉजेस ऑफ टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। जब हाइपोथैलेमस पे किसी टाइप का ट्यूमर या फिर इंजरी होगी वो भी अल्टीमेटली लीड करेगा हाइपोथायरॉयडिज्म को। जैसे कि हमने देखा था सुप्रीम कमांडर था हमारा हाइपोथैलेमस, ठीक है हाइपोथैलेमस क्या था सुप्रीम कमांडर, वही किसको सिग्नल पहुंचा रहा था पिट्यूटरी को। अब जब यहाँ पे ही कोई सिस्टम एरर है या फिर यहीं वाली जो टिश्यूज है न्यूरॉन्स हैं उनमें किसी टाइप का डिस्ट्रक्शन है या फिर ट्यूमर्स हैं या वहाँ इंजरी की वजह से वो अपना फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा अल्टीमेटली वो सिग्नल्स पहुँचा नहीं पाएगा। यहाँ से क्या आ रहा था TRH, जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था हाइपरथायरॉयडिज्म वाली वीडियो में, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। जिस स्टूडेंट्स ने नहीं देखी है वो एक बार वहाँ जा करके देख सकते हैं। हाइपोथैलेमस से क्या आ रहा था थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो आकर के कहाँ आ रहा था पिट्यूटरी पे, पिट्यूटरी फिर क्या बना रही थी TSH थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जाकर के थायरॉइड ग्लैंड को स्टिमुलेट कर रहे थे T3 और T4 बनाने के लिए। अब जब यहाँ से ही हाइपोथैलेमस में ही किसी टाइप का ट्यूमर या फिर इंजरी होगी तो वो सिग्नल्स नहीं पहुँचा पाएगा, और इन्हीं सिग्नल्स के अभाव की वजह से हमारी बॉडी में T3 और T4 का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, और उसी चीज़ या उसी कंडीशन को हम लोग बोल सकते हैं टर्शियरी हाइपोथायरॉयडिज्म। इतना आया समझ में दोस्तों, चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आपके लिए कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर के आया हूँ जो कि आपने आज तक किसी भी यूट्यूब चैनल पर नहीं देखे होंगे। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, क्या क्या से सिम्टम्स है जो हमें देखने को मिलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के केस में। दोस्तों प्रीवियस क्लास में हमने एक ट्रिक बनाई थी जिस ट्रिक से हमने याद किया था हाइपरथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को, जो कैसे थी UAE PET OPO। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है मुझे यकीन है कि वो याद हो चुका होगा। ठीक वैसे की वैसे एक ट्रिक अभी बनाई है CNGGR हाइपोथायरॉयडिज्म के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस को याद रखने के लिए। CNG सिंपली हमें पता होती है कॉम्प्रेस नेचुरल गैस है, लेकिन अब क्या याद रखना है कहाँ कहाँ पे, गुजरात और राजस्थान में CNG की गाड़ियाँ बहुत कम चलती हैं। एक सिंपली याद करने के लिए कॉम्प्रेस नेचुरल गैस गुजरात और राजस्थान, इजीली आप 2-3 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं सी से क्या होगा CVS सिम्टम्स, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। एन से क्या होगा नर्वस सिस्टम में सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। जी से जनरल सिम्टम्स, फिर बात करेंगे जी से GI सिम्टम्स, और फिर हम गेस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम्स के जो सिम्टम्स होंगे वो, और फिर बात करते हैं हम R से रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स। दोस्तों इन सभी को हम लोग एक एक करके डिस्क्राइब करेंगे और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं CVS सिम्टम्स के बारे में, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे जब ये हाइपोथायरॉयडिज्म की डिसीज़ सीवियरिटी पे होगी। तब क्या देखने को मिल सकता है ब्रेडिकार्डिया, डिक्रीज्ड इन हार्ट रेट। फिर हमको क्या देखने को मिल सकता है हाइपरटेंशन, क्योंकि उसी हार्ट रेट को वापस कंपनसेट करने के लिए हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ब्लड को पंप फास्ट करेगा और उसी कंडीशन को हम बोलेंगे हाइपरटेंशन। और उसके बाद में इस्केमिक हार्ट डिसीज़ देखने को मिल सकती है जब ये डिसीज़ सीवियरिटी पे हो, जब कंडीशन और ज़्यादा वर्स हो जाती है तब हमें क्या देखने को मिल सकता है पेरिकार्डियल इफ्यूजन। ओके अब हम बात करेंगे नर्वस सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलते हैं। दोस्तों नर्वस सिस्टम में हमें देखने को मिल सकता है पुअर मेमोरी, पेशेंट को याद नहीं रहेगा, धीरे धीरे वो भूलने लगेगा। फिर क्या होगा पुअर कंसंट्रेशन, और उसके बाद में कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। दोस्तों जैसे कि हमें पता है कि ये फीमेल्स में बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेल, ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म की डिसीज़ है। सो दोस्तों पुअर मेमोरी से आप समझ गए होंगे, पुअर कंसंट्रेशन से आप समझ गए होंगे, मैं बताना चाहूँगा कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम के बारे में। कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारी रिस्ट है इस रिस्ट को नर्वस सप्लाई कौन कर रही है मीडियल आर्टरी। जब मीडियल आर्टरी पे कंप्रेशन पड़ेगा, जब उसके ऊपर ज़्यादा दबाव आएगा तब क्या होगा हमारी जो रिस्ट है रिस्ट में क्या होगा टिंगलिंग सेंसेशन फील होगा, नमनेस फील होगी, उसी कंडीशन को हम बोलते हैं कार्पल ट्यूनल सिंड्रोम। ठीक है ये हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर सिम्टम देखने को मिलेंगे इन केस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। दोस्तों अब हम देखते हैं जनरल सिम्टम्स जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है
आप आइडेंटिफाई इजीली कर सकते हैं कि पेशेंट हाइपोथायरॉयडिज्म वाला है। सबसे पहले उसमें क्या देखने को मिलेगा, वीकनेस देखने को मिलेगी, लेथार्जी, वो कमज़ोर महसूस करेगा, थकान महसूस होगी उसे, उसका वेट बढ़ते जाएगा। जैसे हमने हाइपरथायरॉयडिज्म में देखा था उसमें वेट लॉस हो रहा था, हाइपोथायरॉयडिज्म में इससे उल्टा होगा, वेट बढ़ता जाएगा। इसमें बेसल मेटाबॉलिक जो रेट है वो क्या होगा, BMR कम हो जाएगा, पफिनेस, उसका फेस मास्क लाइक फेस दिखेगा, उसके फेस के आसपास में जो ऑर्बिटल एरिया है इसके आसपास में हमें एडिमा देखने को मिलेगा, उसके हेयर लॉस होंगे, उसके जो स्किन है उसके हेयर है उन वहाँ पे उसे ड्राइनेस फील होगी, और क्या होगा, जो टंग है वो उसे उसकी जो टंग है वो लार्ज दिखेगी, हमें बड़ी टंग दिखेगी, प्रोमिनेंट टंग। फिर बात करते हैं हम लोग हाइपोथर्मिया, जो पेशेंट है उसका बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, इसीलिए उसकी कोल्ड टॉलरेंस कम हो जाएगी, वो कोल्ड को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, वो प्रेफर करेगा हॉट एरिया का। जैसे कि हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या कर रहा था, पेशेंट को हॉट इंटॉलरेंस था, वो प्रेफर कोल्ड एरिया कर रहा था, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, वो जो पेशेंट होगा वो प्रेफर करेगा हॉट एरिया में जाकर रहने में। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब बात करते हैं हम लोग इडिमा की, इडिमा कैसे हो रहा है। सिंपली कुछ हाइड्रोफिलिक म्यूकोपोलीसेकेराइड्स, हाइड्रोफिलिक म्यूकोपोलीसेकेराइड्स, कुछ जो हाइड्रोफिलिक म्यूकोपोलीसेकेराइड्स होते हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं। वो डिपॉजिट होने की वजह से क्या होता है, जब हाइड्रोफिलिक म्यूकोपोलीसेकेराइड्स हमारी टिश्यूज़ में जाकर के डिपॉजिट हो जाते हैं तो उन टिश्यूज़ में क्या कर देते हैं, वो जनरलाइज्ड इडिमा कॉज कर देते हैं। क्या कॉज कर देते हैं, वो क्या कॉज कर देते हैं, जनरलाइज्ड इडिमा। लेकिन जो जनरलाइज्ड इडिमा होता है ये कौन सा टाइप का होता है, नॉन पिटिंग टाइप का। ओके, चलिए इतना आपको समझ में आया। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे GI सिम्टम्स की तरफ। GI सिम्टम्स में हमें देखने को मिलेगा कॉन्स्टिपेशन, और फिर हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स। तो रिप्रोडक्टिव सिम्टम्स में जो फीमेल्स पेशेंट्स होती हैं उनमें क्या देखने को मिल सकता है, मेनोरेजिया, इंक्रीज्ड मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो, जो मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर बात करते हैं एमेनोरिया, कुछ फीमेल्स में एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल भी देखा गया है। और फिर हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी, जब हाइपोथायरॉयडिज्म की जो कंडीशन जब ज़्यादा ही वर्स हो जाती है तो कुछ फीमेल्स में इनफर्टिलिटी भी पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, और हम देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग डायग्नोस कर सकते हैं, इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म का पता लगाने के लिए। दोस्तों डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट की जाएगी, पेशेंट से उसके सिम्टम्स के बारे में पूछेंगे, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि जेनेटिक भी एक फैक्टर हो सकता है। फिर हम बात करते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे उसका, और फिर हम बात करते हैं सीरम T3 T4 एंड TSH लेवल्स को हम लोग देखेंगे। जब सीरम T3 एंड T4 लेवल्स जब हमें डाउन दिखेंगे तो वो डायरेक्टली इंडिकेट करेगा हाइपोथायरॉयडिज्म को। फिर बात करते हैं TRH स्टिमुलेशन टेस्ट। TRH स्टिमुलेशन टेस्ट क्या होता है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन स्टिमुलेशन टेस्ट। इस टेस्ट में क्या होता है, हम लोग आर्टिफिशियली TRH एडमिनिस्टर करते हैं और उसका स्टिमुलेशन इफेक्ट देखते हैं। जब स्टिमुलेशन इफेक्ट नेगेटिव आता है तब हम इंडिकेट होता है कि ये हाइपोथायरॉयडिज्म है, क्योंकि थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन्स जो है वो हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसके ऊपर वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं। ओके, ये बात हुई हमारी डायग्नोसिस की, कि हम लोग डायग्नोसिस कैसे करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हम देखते हैं कि हाइपोथायरॉयडिज्म का मैनेजमेंट कैसे करें। मैनेजमेंट के लिए हम लोगों को सबसे पहले सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, जो उसके सिम्टम्स हैं उनको उनके अकॉर्डिंग हम लोगों को केयर प्रोवाइड करना है। फिर बात करते हैं एडमिनिस्टर लिवोथायरोक्सिन, ये आर्टिफिशियल थायरोक्सिन होता है जिसे एडमिनिस्टर किया जाता है T3 T4 लेवल बढ़ाने के लिए। फिर बात करते हैं वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि जो हाइपोथायरॉयडिज्म वाला पेशेंट है उसको हॉट इन्वायरमेंट या वार्म इन्वायरमेंट ज़्यादा फेवर करता है वो, तो उसे हम लोग कंफर्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद में बात करते हैं लो कैलोरी डाइट की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी पेशेंट का वेट बढ़ते जा रहा है, उसके बॉडी में एडिमा है और उसका वेट बढ़ते जा रहा है, और इसीलिए हम लोग उसे लो कैलोरी डाइट देंगे। जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में हम उसे हाई कैलोरी डाइट दे रहे थे, जस्ट उससे अपोजिट इधर लो कैलोरी डाइट देंगे। फिर बात करते हैं मॉनिटर वाइटल साइंस की, एट लास्ट हम लोग वाइटल साइंस को केयरफुली मॉनिटर करेंगे, किसी टाइप का अगर फ्लक्चुएशंस होता है तो हमें फिजिशियन को तुरंत इन्फॉर्म करना है। दोस्तों इसी के साथ हमारा आज की क्लास यहीं एंड होती है। फ्रेंड्स जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि आपको किसी भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। प्लस अभी मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ, रिसेंटली कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चैनल को ग्रो करने पर या
जेलसी वाली फील है, शायद किसी और कोचिंग इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं वो या मैं नहीं जानता। सो वो बहुत सारी ऐसी कमेंट्स कर रहे हैं कि डीमोटिवेट करने के लिए, लेकिन आप सभी का सपोर्ट बना रहा तो बस ऐसे ही और इंटरेस्टिंग कंटेंट्स आपके लिए लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग। जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दो यार। और थैंक यू सो मच एट लास्ट।